हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, आज हमने देखा 6 अगस्त को मार्केट किस तरीके से अपमूव की तरफ बंद हुई है, और हमने देखा कि 11,000 का लेवल तोड़ने में भी निफ्टी कामयाब हो गई थी, पर उसके नीचे जाके क्लोजिंग हो गई 11,950 के आसपास। गाइस, मार्केट में जो ये एक अपमूव देखी है, ये एक अच्छी अपमूव है। हम कह सकते हैं कि हमने आपको कहा था, हम आपको हर वीडियो में कह रहे थे 11,800 का एक लेवल है जहाँ से हमें अपनी बाय पोजिशन बना लेनी चाहिए और वहाँ से हम हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि 10,800 के थोड़ा बहुत नीचे 20-25 रुपये नीचे गया मार्केट, और उसके बाद हमने एक अपमूव देखी। मैंने आपको कहा भी था गाइस कि मार्केट, आप देख सकते हैं कि US मार्केट कितनी 3-3.5% नीचे गिरी थी, हांगकॉन्ग की मार्केट नीचे गिरी थी, यानी कि आज हमारी मार्केट को भी गिरना था। पर गाइस, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होते, टेलीग्राम चैनल में आपको कल भी बताया था, परसों भी बता रहा हूँ गाइस, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होते तो आज आप इस अपमूव का बहुत फ़ायदा उठा सकते थे, क्योंकि मैंने 5 तारीख को ही अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डाल दिया था कि आपको बर्जर पेंट्स को बाय करना है और 28,000 की बैंक निफ्टी को बाय करके चलना होगा। गाइस, अगर आप वो सुने होते तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते होते। गाइस, मैंने 7 रुपये में बर्जर पेंट्स को बाय करने की सलाह दी थी, कॉल बाय करने की सलाह दी थी, और आप देख सकते हैं आज बर्जर पेंट्स ने 12 रुपये तक की मूवमेंट दिखाई है, 12 रुपये तक ऊपर गया था। गाइस, 28,000 की कॉल भी मैंने 150 रुपये में बाय करने की सलाह दी थी, आप देख सकते हैं कि कितने ऊपर 270-300 तक तो ये 28,000 की कॉल चली ही गई थी। तो गाइस, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप पैसा कमाते रहेंगे, वहाँ पर आपको अपडेट सारे मिलते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मैंने आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो 6 अगस्त को जो मैंने आपके लिए स्टॉक्स चुन के रखा था आपकी कल वीडियो में, उसमें TVS मोटर्स था, बहुत अच्छी अपमूव दिखाई, हमारे दोनों टारगेट अचीव हो गए। अमर राजा बैटरीज, अच्छा खासा टारगेट अचीव हो गया था। लार्सन एंड ट्यूबो के भी टारगेट्स अचीव हो गए। गाइस, टाटा स्टील के टारगेट भी अचीव हो गए। NBCC एक शॉट मैंने आपको बस दिया था और उसका टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया, और उसका स्टॉप लॉस भी हमारा हिट नहीं हुआ, पर टारगेट भी हिट नहीं हुआ था। गाइस, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे गाइस, तो आप पैसा अच्छे से कमाएंगे। वहाँ पर हम अपने क्लाइंट्स को जो कॉल्स देते हैं, उसके थोड़ी देर बाद हम आपको भी अपडेट दे देते हैं उनके कॉल्स का, तो आप वहाँ पर जाके भी फ़ायदा उठा सकते हैं, पर सेम प्राइस पे नहीं देते। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने क्लाइंट, आपको मैंने 7 रुपये में बाय करने की सलाह दी थी, तो हमने अपने क्लाइंट्स को 5 रुपये में दे दी होगी और उसके ऊपर हम आपको बाय करने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको पूरा टारगेट देना है या आप पूरा टारगेट के साथ खेलना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल RBI की पॉलिसी है 7 अगस्त को, किस तरीके से काम करके चलना है, किस तरीके से पैसा कमाया जाएगा, कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें पैसा कमा के दे सकते हैं कल RBI की पॉलिसी वाले दिन। ये 5 स्टॉक्स हैं, बढ़ते हैं इनके बाय और सेल के टारगेट की तरफ, किस तरीके से हमें अचीव कर सकते हैं। बस बाय करके चलना है। यस बैंक को टारगेट 87.89.8 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 82 का मेंटेन करके चलना है यस बैंक के अंदर। टाटा केमिकल बाय करके चल सकते हैं 579-587 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आप 553 का मेंटेन करके चल सकते हैं। गाइस, देख सकते हैं आपको नीचे येलो बॉक्स पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च भी करेंगे मेरा ट्रेड डीलर्स, अगर आपको ये जो नाम दिख रहा है, अगर आप ट्रेड डीलर्स सर्च भी करेंगे टेलीग्राम चैनल पे गाइस, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसे क्लिक करके आप नीचे ज्वाइन के बटन को क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बाय करके चलिए गाइस 520-527 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 502 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। टाइटन शॉर्ट करने की सलाह है गाइस, आप देख सकते हैं करंट लेवल है 1040, मैं आपको शॉर्ट करने की सलाह कब दे रहा हूँ, जब 1046-1051 के आसपास आपको मिले, शॉर्ट करिए टाइटन को, 1060-1065 का स्टॉप लॉस लगा के इसे आप करंटली शॉर्ट करके चल सकते हैं। अगर ये 1060 के नीचे क्लोजिंग देने में बंद हो जाता है या 2 या 3 दिन, सो गाइज ये 1000 या 990 रुपये तक के लेवल्स तक भी जा सकता है, शॉर्ट करिए टाइटन को 1030 के लेवल के लिए। दिलीप बिल्डकॉन बाय करने की सलाह 390-396, मुझे लगता है 400-410 तक के लेवल्स तक भी ये जा सकता है, स्टॉप लॉस आपको 378 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये 5 स्टॉक्स आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ, अभी भी आपसे कह रहा हूँ गाइस, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन होइए, फ़ायदा उठाइए गाइस। इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी चल रहा है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ है। आज मैंने अपने क्लाइंट्स को कुछ कॉल्स दी हैं और वो कॉल्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा गाइस, क्योंकि उसके टारगेट्स थोड़े एक्सपेक्टेड हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, सारी अपडेट्स आपको इंट्राडे कॉल्स पर प्रोवाइड होती रहेंगी।
इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो गाइस तो चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए गाइस। आपको दोबारा एक बात और बताना चाहूँगा गाइस, investing.com पे मेरे साथ जुड़े रहिए। investing.com पे मैं सारी रिपोर्ट शेयर करता हूँ, वहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट्स पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मिल जाएगी, सारी डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर हो जाएंगी, जाके आप फ़ायदा उठा लीजिए।